तो गाइस मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में, आपका स्वागत है। एक गिलास भर के मैंने दूध लिया, देखिए गिलास भी बड़ा है। अब इसको इस कढ़ाई में डाल देंगे और उबलने के लिए गैस पे रख, मैंने उबलने के लिए रख दिया। अब दूध को हम गर्म होने देते, तब तक हम दूसरा का। मैंने यहाँ छोटी वाली ब्रेड ली है, देखिए इसको क्या करेंगे, ऐसे करके रखेंगे और ये पैना गिलास है, इसको ऐसे करके गोलाकार का कट कर लेंगे। देखिए कट गया, ऐसे हमें सारे गोल गोल पीस कट करके रख लिए। ब्रेड मैंने सारे गोल आकार के कट करके रख लिए। अब जो दूध हमारा उबल रहा था, अब हम चलते हैं उसकी तरफ। दूध में हमारा बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब उसमें थोड़ी सी डाल देंगे हम चीनी, जैसे भी आप मीठा खाते हो, अगर ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। कम से कम ये छोटी आधी कटोरी चीनी थी। अब इसको अच्छे से और उबाल, ये मैंने आधा कटोरी दूध बचा के रखा था। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, एक चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया, इस दूध में मिक्स कर देंगे। पहले एक डाल चुकी हूँ, एक और डाल दूंगी भर के। ये देखिए अब इसको ऐसे करके घोल लूंगी इस दूध में, अच्छे से मिक्स हो गई। और जो मैंने दूध में कस्टर्ड पाउडर को घोला था वो हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। इसको चलाइए कस्टर्ड पाउडर, बिल्कुल दूध डालने, कस्टर्ड पाउडर डालने से दूध कितना गाढ़ा हो गया। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा लगा दूंगी ऑयल, गैस मेरी ऑन है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, रिफाइंड ऑयल, और इसको अच्छे से गर्म कर, अच्छे से हो गया। अब हम जो ब्रेड रोल कर काट के रखे थे, अब इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हमें ऐसे करके फ्राई कर लेंगे, ये वाला हमारा फ्राई हो गया, ये वाला हमारा फ्राई हो गया। देखिए हमें सारे ऐसे गोल्डन होने के लिए फ्राई कर लेना है, उलटते पलटते ऐसे ब्रेडों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ब्रेड को मैंने ऐसे करके फ्राई कर लिया, देखिए बिल्कुल गोल्डन होने तक, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी लेंगे। इसमें ऐसे करके चारों तरफ इनको ऐसे रख देंगे, आपके पास अगर कोई ट्रे हो तो आप उसमें भी रख सकते हो। अब ये कस्टर्ड पाउडर हमारा थोड़ा ठंडा हो गया, अब इस ब्रेड के ऊपर हम कस्टर्ड पाउडर को डाल, कस्टर्ड के घोल को हम डाल देंगे, ऐसे करके डाल देंगे, जिससे हमारे ब्रेड जो हैं इस कस्टर्ड दूध को अच्छे से, अपने इन फ्राई वाले ब्रेडों पे कस्टर्ड का दूध डाल दिया था। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आपके पास जो हो वो डाल दीजिए। मेरे पास काजू और बादाम थे, वो मैं इस पर डाल दूंगी। आपके पास पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल दीजिए। अब इसको 5 मिनट रखने के बाद आप इसको टेस्ट कीजिए, मेरे ब्रेड की मिठाई कितनी अच्छी बनी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए है कितनी सॉफ्ट है, इसे खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चे बहुत मन से खाते हैं। अगर आज आपको मेरी ब्रेड की ये मिठाई पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये 10 रुपये में मिठाई बनके तैयार हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय।